सबसे पहले आपको लेनी है 15 इंची एडजस्ट की मोटर, वो भी न्यू ब्रांड। उसके बाद आपको चाहिए ये एक चखला मोटर में कस के घुमाने के लिए। होल्डर बल्फ कनेक्शन मैंने कर लिए, बल्फ हमारे पास ये लगाओ चाहे एलईडी बल्फ लगाओ। उसके बाद आपको चाहिए एक बोर्ड आप कैसा भी ले सकते हो। उसके बाद आपको ये जो चखला होता है ये एडजस्ट की मोटर में अच्छे तरीके से सेट करके नट को टाइट कर देना है। इससे फ्री एनर्जी उत्पन्न करके मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ये मैंने अपना नट अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है, घुमा कर भी देख लिया है। मोटर आपकी मतलब कि ओके होनी चाहिए, जड़ी फूकी ख़राब मोटर नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये कनेक्शन कर लेता हूँ अपने बोर्ड में, जो हमारी मोटर की वायर है दोनों वायर को बोर्ड में कनेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद इस पे कर देता हूँ टेपिंग। टेपिंग करने के बाद आपको मैं बल्ब होल्डर इससे चालू करके दिखाऊंगा। पहले मैं एक कनेक्शन कंप्लीट कर देता हूँ। ये दोनों वायर पे लगा लिए हमने टेप, ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। होल्डर में मैंने वायर पहले ही लगा लिए, ये मैंने अपना बल्ब लगा लिया है। ये दोनों वायर लगा लेता हूँ मैं सॉकेट में। ये दोनों वायर मैंने सॉकेट में लगा लिए। ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये वायर बोर्ड में गई, ये हमारा होल्डर बल्ब। अगर आप इस प्रकार से सीधे चक्कर में घुमाते हो तो हमारी रोशनी उत्पन्न होती है। तो मैंने ये बटन कर दिया आपका ऑन। ये हमारा देख सकते हो आप एलईडी बल्ब चालू हो गया है। अगर आप तेज़ स्पीड से चलाते हो तो ये एलईडी बल्ब ऑन होगा। अगर आप मंदी तेज़ करते हो तो हमारा बल्ब भी तेज़ मंदी होने लगता है, देख सकते हो आप, क्योंकि मोटर हिलती है। अब मैं आपको इसको तेज़ चलाकर भी दिखाऊंगा एक बार, ये रोकते ही बंद हो जाती है। इस प्रकार से अगर आप तेज़ चलाते हो तो हमारा बल्ब अच्छे तरीके से ग्लो करता है। अगर आप इसको चलाकर छोड़ दोगे, जब भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है लेकिन रुकने पर ये बंद हो जाता है, देख सकते हो आप। इसके कुछ RPM तक होती है जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। ये देखो ये बंद हो गया अब। ये इस प्रकार से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।